हेलो दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ अपने नए चैनल कार ज्ञान में। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के कीलेस एंट्री सिस्टम और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको अपनी कार के पास जाना होगा। उसमें तीन रिसीवर स्विचेस होंगे, एक ड्राइवर डोर पे, एक को ड्राइवर डोर पे और एक बूट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कार है, ये मेरे हाथ में स्मार्ट रिमोट। अब मैं रिमोट अपने पॉकेट में रखूंगा और कार के पास जाऊंगा। मैं स्विच एक बार दबाऊंगा, इससे दो बीप की साउंड आएगी, इसका मतलब कार अनलॉक हो चुकी है। अब मैं डोर वापस लगाऊंगा और फिर दबाऊंगा, तो ये एक साउंड आई, इसका मतलब कार लॉक हो चुकी है। बूट अनलॉक करेंगे, यहाँ पे आपको दो स्विच दिख रहे होंगे, ये आपको छोटा वाला दबाना है, इससे आपकी कार लॉक या अनलॉक होगी। इससे आपको साउंड आ चुकी है। अब मैं बड़ा वाला दबाऊंगा तो आपकी बूट खुल जाएगी। तो वापस से वही छोटा वाला दबाना है, इससे आपकी कार वापस लॉक हो जाएगी। अब हम यह स्टार्ट स्टॉप बटन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पॉकेट में की है या फिर कार के अंदर कहीं पर भी की है, तो अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, ये एसेसरीज मोड पे आ चुका है। इसमें इसके म्यूजिक सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इस स्विच को एक बार और प्रेस करते हैं तो ये ऑन पे चला जाएगा। इसके पूरे मीटर कंसोल्स ऑन हो जाएंगे और ऑन लाइट भी जल जाएगा। और आप इस स्विच को एक बार और दबाते हैं तो यह ऑफ हो जाएगा। अगर आपको इग्निशन चालू करना है तो आपको नीचे क्लच दबाना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, क्लच दबाने से ये ग्रीन लाइट चालू हुआ। ये लाइट चालू होने के बाद आपको ये स्विच दबाना है, इससे आपका इग्निशन चालू हो जाएगा। और इग्निशन को ऑफ करने के लिए आपको जस्ट ये स्विच एक बार और दबाना है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।